हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर, और मैं लेकर आई हूं तुला राशि फल फरवरी मंथ के लिए। इस बार की रीडिंग न करियर के लिए है न लव के लिए है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। इसमें हम देखेंगे सॉल्यूशन स्प्रेड, जिसमें हम जानेंगे कि अभी इस वक्त इस महीने हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं है, और क्या चला जाना चाहिए, किस तरह हमें बदलाव लाना चाहिए। और एक अफर्मेशन कार्ड भी मैं आपके लिए लूँगी, जिससे कि आप उसे चेंट करके फरवरी मंथ में अपनी विश को पूरी कर सके या अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और स्टार्ट करते हैं हम तुला राशि फल फरवरी मंथ के लिए। फरवरी मंथ तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ओके, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? ओके, क्या लाइफ से चला जाना चाहिए? क्या परेशान कर रहा है? क्यों आप गुस्सा है? किस पे गुस्सा है? कौन हर्ट कर रहा है? सबसे ज्यादा क्या रुकावट है? किस चीज का एडिक्शन आपको है? और कैसे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं? ओशो जैन कार्ड से हम एक बार फाइनल आउटकम निकालेंगे तुला राशि फरवरी मंथ के लिए। तुला राशि फरवरी मंथ के लिए क्या फाइनल आउटकम रहने वाला है? ओके, स्टार्ट करते हैं तुला राशि फरवरी मंथ के लिए आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले तीन कार्ड से हम स्टार्टिंग के कार्ड से हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है और क्या लाइफ से चले जाना चाहिए। तो द टावर कार्ड जो है वो दिखाता है कि क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी आपके लिए सेविंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो आपके हैं उनको सेव रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको अपने रिश्तों को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आप शेयर मार्केट में या किसी भी सट्टे के लिए काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उसे अभी रुक जाए, अभी आप उसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और जो आपके पहले के इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करने की कोशिश करें। तो सभी तरह से ये जनरल रीडिंग है, तो सभी तरह से मैं ये कहूंगी कि चाहे कुछ भी हो, पैसा हो, प्यार हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका अभी करियर हो, अभी उसको बचाना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फेब मंथ कहीं ना कहीं उसको सेव रखना, क्योंकि यहाँ पर भी अवेयरनेस कार्ड है, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? डिसीजन लेना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दबाजी में कुछ भी एक्शन ले लूँ, मैं कुछ डिसाइड कर लूँ, मैं मुझे अभी नहीं सोचना है, किसी के इमोशंस को नहीं देखना है, मुझे अपने इमोशंस को भी नहीं देखना है, मैं बहुत हार्ड हूँ, तो ये सब सोच के कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो उसको भी रोक दे, अभी वो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या लाइफ से चले जाना चाहिए? तो फालतू के जो ख्याली पुलाव आप पकाते हैं, ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हैं, मन में बार बार जो आपको एक चीजें आपको परेशान करती है कि मेरी लाइफ में लग्जरी भी होनी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, कार होनी चाहिए, ज्वेलरी होनी चाहिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है, तो वो कुछ टाइम के लिए आपको स्टॉप कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। अभी अगर ये तीनों कार्ड्स देखकर मैं फिर से एक बार कहूंगी कि अभी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो आपके पास है उसको आप बचा कर चलें।
उसको सेव करें, चाहे वो अच्छे दोस्त हो, चाहे अच्छा लाइफ पार्टनर हो, चाहे अच्छा रिलेशन हो आपका किसी के साथ, चाहे पैसा हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, आपको उसे बचाकर चलना है। दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इवन आप ये सोच ले कि 5 मंथ में तो मुझे कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। नेक्स्ट क्या लाइफ से चला जाना चाहिए, तो वो ये सारी ख्याली पुलाव, ओवर थिंकिंग या फिर एक्स्ट्रा सोचना कि मेरी लाइफ में तो ये आने वाला है। ठीक है, मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग इस बारे में आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट 3 कार्ड से हम देखेंगे कि आपको क्या परेशान कर रहा है, क्यों गुस्सा है, किस पे गुस्सा है और आपको सबसे ज्यादा हर्ट कौन कर रहा है। ओके, तो मैं ये कहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा ये चीज परेशान कर रही है कि मैं लोगों के लिए इतना करता हूं और मुझे रिटर्न में उतना नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आप तुला राशि है और खुद ही बैलेंस सिचुएशन में नहीं रह पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने किया है उतना ही मेरे साथ भी हो, या जितनी मैं मेहनत करता हूं उतना पैसा मुझे नहीं मिलता है। तो ये किसी भी तरह से अगर आप लेंगे तो मुझे यहाँ दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीजें आपको बहुत परेशान कर रही है। आपको सबसे ज्यादा हर्ट भी यही कर रहा है कि आप पैसों से भी और इमोशनली भी दोनों तरह से आप अपने आप को बैलेंस सिचुएशन में नहीं ला पा रहे हैं। मनी वाइज भी आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद तो मुझे मेरे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं प्यार के मैटर में भी ऐसा लग रहा है कि इतना मैं लोगों के लिए करता हूँ, इतना मैं करती हूँ, पर मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें आपको अभी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि बैलेंस सिचुएशन में रहे, अच्छे समय का इंतजार करें। आप अगर अपने रूल्स से, अपनी चीजों से अगर आप जुड़े हुए रहेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें आगे अच्छी ही मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड है कौन सबसे ज्यादा आपको हर्ट कर रहा है, तो अगेन मैं ये कहूंगी कि जो अपॉर्चुनिटीज आप चाहते हो आपका ध्यान कहीं और है, और जिन्हें आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल रही है, और जो नहीं चाहते हो वो आपको अभी मिल रहा है। तो इस वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि सही डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। जो चीजें मिल रही है, जो अच्छे रिश्ते आपके पास है, उनको आपको संभालने की ज्यादा जरूरत है, बजाय कि ये सोचना कि कुछ अलग मेरे साथ हो या फिर वो ही लोग सामने से मेरे पास आए। तो ये चीजें आपको बहुत हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। 4 नंबर है, थोड़ा सा स्ट्रेस देती है, ओवर थिंकिंग। स्ट्रेस में मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा पूरा दिन उसके लिए रो रहे हो या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में रहती है। अच्छी नींद नहीं आ पाती है, हो सकता है कि जब भी आप सोते हो तब आपके माइंड में ये सब चीजें चलती है। तो ये सब चीजों से आपको बाहर निकलना है फरवरी मंथ में, अपने आप को बैलेंस रखना है। यहाँ आउटकम कार्ड भी ये दिखा रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड, जो कि दिखा रहा है कि सही समय का आपको इंतजार करना है। आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हो, अच्छा काम आपके पास है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, आप बहुत क्रिएटिव भी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने की, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ जुड़े रहें, डाउन टू अर्थ बने रहें, सब चीजें सही समय पे आपको मिलने ही वाली है। नेक्स्ट कार्ड, 3 कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या रुकावट है, क्या आपकी जिद है, क्या आपको एडिक्शन है और कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। यस, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या रुकावट है। तो अगेन मैं ये कहूंगी कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन से थोड़ा सा परेशान है, जैसा कि मुझे यहाँ पर आपका मून बहुत वीक ही लग रहा है, और मून प्लस मंगल की यहाँ पर युति दिख रही है, तो कहीं ना कहीं वो मन को बहुत ही अशांत कर रही है। तो फरवरी मंथ में आपको अवेयर रहने की जरूरत है, भगवान पे विश्वास रखने की जरूरत है, और जुड़े रहने की जरूरत है जो आपके पास है, जैसा कि मैंने कहा उसे सेव रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है। एडिक्शन आपका हो सकता है कि आप किसी आपके फादर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, या फिर आपके लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो, या फिर ऐसा कोई रिलेशन आपकी लाइफ में जिसके साथ आप बहुत कनेक्ट हो और उससे आपको उतना नहीं मिल रहा है।
वो अपने फीलिंग्स को दिखा नहीं रहा है, वो जता नहीं रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके यहाँ परेशान होने का। लेकिन आप कैसे बदलाव ला सकते हैं? तो अपने आप को सक्सेसफुल बनाकर आप बदलाव ला सकते हैं। अपने आप में ऐसा कुछ आप करिए जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपकी सुने, इस इतना आप काबिल बने, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप हासिल कर पाएंगे। और ये तो डेफिनेटली दिख ही रहा है कि फेब मंथ नहीं, फेब मंथ में अगर आपने थोड़ा पेशेंस रखा, आपने अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको सभी चीज़ें देखना वन बाय वन मिलने लगेगी। अवेयरनेस कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि फेब मंथ में थोड़ा अवेयर रहें, बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग ना करें और अपनी सक्सेस की तरफ सोच ध्यान दें। ट्रैवलिंग दिख रही है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करके जा सकते हैं। और एक्सपीरियंसिंग कार्ड भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि जुड़े रहें, जो भी आपके पास है उसको पकड़ के रखें, चाहे वो रिश्ते हो, प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो आपके बाद में बहुत काम आने वाला है। किसी से भी कनेक्शन कट करने की ना सोचें। देखते हैं लाइफ में कैसे बदलाव आप ला सकते हैं। तुला राशि अपनी लाइफ में बदलाव कैसे ला सकते हैं? लेट देम गो, फॉरगिव, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। वाओ, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाए, इतना अट्रैक्टिव समझे कि लोग आपसे कनेक्ट होने की सोचे, तो यस, आपको किसी की भी विंग्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। आप खुद इतने सक्सेसफुल हैं, आप इतना ब्यूटीफुल हैं कि आप खुद अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद में कॉन्फिडेंस की जरूरत है और खुद से प्यार करके और अपने विश्वास के साथ जीने की जरूरत है। डेफिनेटली आप अपने सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा स्ट्रगल है 8 नंबर के साथ, लेकिन अगर आपने उस स्ट्रगल को जीत लिया तो डेफिनेटली आप पा लेंगे जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है फगिव। तो हो सकता है प्यार में आपको बहुत बार धोखा मिला है, अच्छा प्यार जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाया है, लेकिन उसको माफ करें और आगे बढ़े। जब हमारी एनर्जी हार्ट चक्र से ऊपर की तरफ जाएगी तभी हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो आगे बढ़े, भूल जाए जो आज तक हुआ उसको और एक नई शुरुआत करें। 10 नंबर का एंड कहलाता है, जो कि एंड करके न्यू बिगनिंग आपको करनी चाहिए। लेट देम गो और फगिव दोनों ही सेम कार्ड है, जो कि दिखाते हैं कि अगर आपने भी किसी के लिए बहुत कुछ किया है तो ये ना सोचे कि मैं जब तक उसको बर्बाद ना कर दूं तब तक मैं नहीं जी सकता। तो ऐसी ज्वेलसी और ऐसी गलत नेगेटिव भावना अपने मन में ना लाएं, और जो गया उसको जाने दें। आपने जो किया वो आपके अच्छे कर्मों के साथ एड ऑन हो जाएगा, बट अपने विचार को, अपने व्यवहार को गलत ना होने दें। तो तुला राशि ये था कि इस तरह आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाकर आप बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या अफर्मेशन आपको देनी चाहिए फेब मंथ में। तुला राशि को अफर्मेशन फेब मंथ में क्या देनी चाहिए? I only attract the best into my life। बहुत ही रेजोनेट करती हुई बहुत ही अच्छी अफर्मेशन आपके लिए आई है, जिससे कि जो आप चाहते हैं वो सच में आपको मिल जाएगा। तो फरवरी मंथ में 21 डेज तक 21 टाइम्स डेली ये आपको चेंट करना है कि I only attract the best into my life। तो देखिएगा आपकी किस तरह जल्दी जल्दी आपके लाइफ में चेंजेस आता है और आपकी लाइफ में हर चीज़ बेस्ट होने लगती है, जैसा आप चाहते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको मिलने लगता है। तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।